morning, senior students. Welcome to our today's session. Okay, आज का जो हमारा session है, regularly आपका हिंदी session चालू ही रहने देते हैं, है ना? इसका मैं तो समय ले लेती हूँ आपका हिंदी session. देख, आप लोगों ने स्वर किए अ आ ई ई उ ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम कर लिया. ओके, उसके बाद आपने क ख ग घ च छ छ कंप्लीट किया, राइट? एंड उसके बाद आपने बाराक्षरी भी कंप्लीट कर दी वेरी क्विकली. आप बहुत अच्छा लिख रहे हो. ओके, मैं आपकी नोट्स चेक कर रही हूँ एंड यू ऑल डिड वेल. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. अब हमने जो स्वर सीखे थे ना, हिंदी स्वर देखिए, उनके ऊपर हर स्वर के ऊपर एक कविता होती है. तो आज का जो हमारा सेशन है ना, हम बहुत ज़्यादा कुछ टीचिंग वर्क नहीं करेंगे, बट लर्न विथ स्वर. ओके, कुछ कविता सीखेंगे जो उस स्वर से शुरू होती है. ओके, तो आई थिंक आपके लिए एक फन टाइम होगा, आपको बहुत मजा आएगा ये कविता लर्न करने में. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ. देखिए, अ एंड आ. ओके, ये जो है अ एंड आ, ये दोनों स्वर से शुरू होने वाली दो लाइन्स में आपको सुना दी. ओके, देखो, अ अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिठू लाल. ओके, अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिठू लाल. ओके, तो ये हुआ अ एंड आ. इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत में घुस गया शेर. ओके, इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत में घुस गया शेर. उल्लू की आंखें गोल गोल, ऊन लाओ गोल मटोल. उल्लू की आंखें गोल गोल, ऊन लाओ गोल मटोल. इसके बाद होता है रूर से ऋषि जी. ऋषि जी देते ज्ञान है, मेरा भारत महान है. ऋषि जी देते ज्ञान है, मेरा भारत महान है. पिलोटा घर को जाता, ऐनक पहने बालू आता. एक पिलोटा घर को जाता, ऐनक पहने बालू आता. ओ ओखली लाओ कूटो धान, औरत होती बड़ी महान. ओखली लाओ कूटो धान, औरत होती बड़ी महान. अंगूर खाता है लंगूर, अंगूर खाता है लंगूर. देखो पक गए खजूर. अंगूर खाता है लंगूर, देखो पक गए खजूर, राइट? तो देखो, हमने अ से लेकर अह तक सारे स्वर से शुरू होने वाली हमने कविता लर्न की. फिर से एक बार, ओके, क्विकली फटाफट से. अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मीठू लाल. इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत में खुल गया शेर. उल्लू की आंखें गोल गोल, ऊन लाओ गोल मटोल. ऋषि जी देते ज्ञान है, मेरा भारत महान है. एक पिलोटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता. ऊखली लाओ कूटो धान, औरत होती बड़ी महान. अंगूर खा
खाता है लंगूर। देखो पक गए खजूर, है ना। तो ये बहुत अच्छी कविता है। फटाफट से आपको इससे इस कविता को यूज करके अगर आप इस स्वर को लर्न करो ना, अ से अह तक याद रखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे और आप भी ये कविता मुझे सुनाएंगे जब आप मंडे को आप नॉट सबमिशन सुनाएंगे।